शुरू करते हैं हम लोग थ्योरम 6.3 ना। 6.3 में क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, क्या लिखा है इन्होंने, इफ इन टू ट्रायंगल इफ इन टू ट्रायंगल क्या लिखा आगे, corresponding are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion ये लिखा है ठीक है। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, नहीं वो तो हम अभी नहीं लिख रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं सिमिलरिटी वाला, हम पहले ये समझेंगे। अभी हमने दो थ्योरम पढ़ रखी है ठीक है, दो थ्योरम में पहली थ्योरम क्या पढ़ी थी हमने, अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल में एक कोई भी ऐसी लाइन खींचते हैं जो किसी एक साइड्स की पैरेलल होती है तो बाकी दोनों साइड्स को ऐसे इंटरसेक्ट करती है कि उसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इसी का रिवर्स तो पढ़ लिया था, उस पर हमको जाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हम कह रहे हैं इफ़ इन दो ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल में क्या कह रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल बना हुआ मान लीजिए, एक एक ट्रायंगल ये है सिक्सटी ले लिया, इसको मान लो सेवेंटी ले लिया और इसको फिफ्टी ले लिया, इसी तरीके से फिर दूसरा बना दिया हमने, इसको हमने 60 लिया, इसको हमने 70 लिया और इसको क्या लिया 50 लिया, इसी की बात कर रहे हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर ये दो ट्रायंगल हैं जिनके की करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसके और ये इसके आर इक्वल, बराबर हैं, तो बराबर हैं वो कंडीशन फुलफिल होता है, हमें प्रूविंग पे जाना नहीं है चूंकि एमसीक्यू की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, थ्योरम हमको याद होनी चाहिए और याद इस तरीके से, अगर हमने समझ लिया है तो फिर नहीं बोलेंगे और अगर हमने याद कर लिया तो फिर कन्फ्यूजन होता है, फिर बगल वाले पे भरोसा करना पड़ता है। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो हमने ये तो पढ़ ही रखा था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और वो होते हैं तो ऐसा सिमिलर होता है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग वो क्या होता है, सेम होता है, रेशियो सेम होता है, मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन सेम होता है, यही बात कह रहे हैं। तो ठीक है अगर सेम होता है तो ये क्या है, अब हमको इसको तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमने पढ़ा, अब हमको याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और साइड्स का रेशियो जो होता है मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो अगर सेम होता है तो उसको क्या कहलाते हैं, ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि सिमिलरिटी है। तो ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पूरा करता है, हो सकता है शब्द लिखने में, अब इसमें लिखा जैसे तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने लिखा कि अगर दो ट्रायंगल जिनके की करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होंगे, वो पक्का है ठीक है। जैसे अभी मान लो ये रेशियो है, अब इसी रेशियो में जैसे इस ट्रायंगल है 60 के सामने उस रेशियो में बनेगा, 70 के सामने उस रेशियो में बनेगा और इसके सामने इस रेशियो में, आप लोग घर पे जा करके वो बना करके देखिएगा और बनाइएगा ऐसे कि
मतलब ढंग से बनाइएगा, जैसे छोटे बच्चे होने पर ट्रायंगल बनाते थे उस तरीके से, ऐसे नहीं कि जैसे हम बोर्ड पर बना रहे हमने ऐसे ऐसे खींच दिया, आपने भी खींच दिया, तो इससे कोई भी आपका ज्ञान वर्धन नहीं होगा। उसको नाप के अगर बनाएंगे तो प्रूव हो जाएगा, पता चलेगा हमको। तो इनका कहना यह है कि अगर एंगल इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो साइड्स का रेशियो जो होगा सेम होगा, ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है। कॉन्ग्रुएंसी का फार्मूला मतलब कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस नहीं पूरी होगी, लेकिन सिमिलरिटी की कंडीशन पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक और बात है, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, मैं इसी थ्योरम में एक बात हम लोग सोचना शुरू करते हैं। हमने एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, इसको हमने बना दिया मान लो 70 सेंटीमीटर और इसको हमने बना दिया 60, 50 बना दिया। ये हमें पता है, हमको बताया गया है। क्या बताया गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका कि एंगल ए 70 है और एंगल बी 50 है, ये बताया गया, ठीक। दूसरा हमको एक और बात बताएगी, एक और ट्रायंगल के बारे में बताया गया, कहा कि इसमें सी है वो 70 है और डी है वो 50 है, इतना ही हमें दिया गया क्वेश्चन में। बात को ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तीन की बात नहीं, मतलब तीन तो पता है, तीन में क्या होता, इसमें दो ही दिया गया है, दो एंगल हमको दिए गए हैं इस वाले का। मान लो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसमें दो एंगल दिए गए, इसमें दो एंगल दिए गए, अब क्या ये सिमिलर हो जाएगा या नहीं होगा, या कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट पढ़ी नहीं रहे तो उसका सवाल नहीं पूछना, सिमिलर नहीं होगा, सहमत, ठीक है, कैसे हो जाएगा? सर एंगल शुड बी इक्वल। हाँ, मतलब वहाँ एंगल के नाम तो अलग है ना? नहीं, नहीं, एंगल के नाम से मतलब नहीं, करेस्पॉन्डिंग ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, कैसे? नहीं नहीं, एसी नहीं है, हाँ एसी के इक्वल हो जाएगा, सही है, और बी के इक्वल हो जाएगा, हाँ। तो तीन एंगल इक्वल होने की, तीन करेस्पॉन्डिंग एंगल, थर्ड वाला निकालेंगे तो कितना आएगा? अरे भाई 180, एक मिनट रुको रुको, इतनी देर नहीं, इतना देर समय नहीं होता एमसीक्यू करने के लिए, हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं ना, एमसीक्यू के लिए। अब हम सोचने लगेंगे, अगर आप ये जानते हो कि किसी, एक मिनट, किसी भी ट्रायंगल का इनर एंगल कितना होता, 180, आंसर हम यही चाह रहे थे कि आप लोगों की तरफ से ये आंसर आए। अगर 180 है और दो करेस्पॉन्डिंग इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होना है, बात समझ में आ रही ना, अगर दो इक्वल हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाना है, क्लियर है ना, डाउट है तो पूछ लो कैसे कैसे निकालना। अब ये रटना नहीं है, ये देखिए, अगर आप रट के जा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि गड़बड़ है, मैथमेटिक्स रटी नहीं जाती है, समझी जाती है। और अगर हम थ्योरम रटे हैं और आप मतलब मैडम ने बता दिया, सबसे रोज खड़ा करके सुन रही कि आप थ्योरम सुनाइए, तो काम नहीं होगा, फिर तो हमें दिक्कत है। और यही प्रॉब्लम जब बच्चे बड़े होकर के कंपटीशन में जाते हैं तो जानते हैं, वो ट्वेल्थ पास करके जाते हैं या ग्रेजुएशन करके जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं चैप्टर, रियल नंबर पढ़ते हैं, वहाँ जा कर के रियल नंबर वो कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो रियल नंबर जा कर के अब जब कंपटीशन में टीचर पढ़ाएगा तो उनको थोड़ा दूसरी तरीके से बताया, अब उन्हें लगा अच्छा ऐसा होता है रियल नंबर, मतलब सारे चैप्टर हम जा करके पढ़ते हैं, छोटे छोटे परसेंटेज के चैप्टर पढ़ते हैं हम, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, तो क्यों पढ़ते हैं? उसका रीज़न यही है कि हम समझे नहीं होते, हम रटे होते हैं, हमने थ्योरम को अपने अंदर नहीं आत्मसात किया, हमने थ्योरम को बस याद किया और रट रहे रट रहे। आपको हनुमान चालीसा याद हो, बगल से कोई बोल पड़े, आप फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, बगल से कोई बोल दिया तो वहाँ से फिर हम आगे नहीं शुरू कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने रट रखा है। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को समझ रखा है तो फिर कोई बोल पड़े, आपको मैथ आती है, आप गाना बजा दीजिए, अगर आप क्वेश्चन करते रहिए तो कोई रोक नहीं सकता, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आप कुछ रटे हुए हैं, उस समय गाना बज गया तो फिर नहीं लग सकता है। तो हमने तीन थ्योरम कर लिया है,
ये थ्योरम नहीं थी, ये एक एक्टिविटी या एक रिमार्क टाइप का है, आपकी बुक में लिखा है ऊपर नीचे कहीं, वो बाद में देख लीजिएगा बुक में कहाँ लिखा है। तो यहाँ पर इसने बताया कि दो एंगल अगर सेम हो, दो एंगल अगर इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंगली, अरे तो तीसरा तो हो ही जाएगा भाई, एक 180 डिग्री पर ही तो बन रहा है। अरे अब हम याद करके गए हैं, जब दो होंगे तब भी हो जाएगा, अब समझे तो है ही नहीं कि दो हो गए तो क्यों हो जाएगा, तो फिर दिक्कत। अगर आपने समझ लिया है तो जब क्वेश्चन आता है ना तो फिर हमारा माइंड चलने लगता है, और जब तक हमने समझा नहीं है तब तक तो फिर दिक्कत है, फिर तो बहुत बड़ी समस्या है। हम पढ़ा रहे थे, एक लड़की थी वो ट्वेल्थ में नीट की तैयारी कर रही थी, ट्वेल्थ पास कर चुकी थी, बहुत मैथ से उसको डर लगता था। हमने पहले उसको बेसिक पढ़ाया, सबसे पहला काम है बेसिक और ढंग से पढ़ाया, फिर उसका मैथ में मन मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, फिर हम रट रहे हैं और भूल जा रहे हैं लगेगा कैसे। तो तीन थ्योरम हमारी हो गई, कुल मिला के एक ही है और उसी को कैटेगरी मतलब अलग अलग बांट दिया गया। पहला हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल बनेगा और कोई भी उसकी एक साइड, अब हम ऐसे पढ़े थे भाई, जरा एक चीज़ और समझ लेना, ऐसे हमने पढ़ा था और हमने ऐसे लाइन खींच रखी थी यहाँ से। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमने ऐसे भी खींच दिया इस वाले से, याद है पिछली बार का चित्र कैसे था, अगर हमने इसके भी करस्पॉन्डिंग खींच, पैरेलल नहीं बनी, पैरेलल मान लो है, इसके पैरेलल हमने बना दिया, तो ये भी वही क्राइटेरिया पूरा करेगा। ये नहीं, ये तो भाई ये चीज़ ऐसे देखा था वैसे देख रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो तीसरी बात, तीसरी थ्योरम हमने ये पढ़ लिया कि अगर तीन साइड, तीन एंगल हमारे करस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं तो उनके तीनों साइड्स का जो रेशियो होगा, आपस में करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होगा वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। और इतना हमको अगर समझ में आता है तब अगली लाइन हमको कहने की, जब हम रट लेते हैं तो क्या दिक्कत होती है, रटे हैं तब सिमिलर होगा। अरे हम तो पढ़ ही रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, अब ध्यान देना हमको दो क्राइटेरिया पूरी करनी, देखिए पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगी। हमने सिमिलरिटी का दो क्राइटेरिया पढ़ रखा, वो किनारे पर है, बाकी चीज़ें पढ़ते हैं हम उसी क्राइटेरिया में ले जा करके उसको लगा देते हैं, अगर वो ठीक है तो हो जाएगा, नहीं ठीक है तो गड़बड़ है। बात समझ में आ रही ना, तो हमने सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पढ़ रखा है कि एंगल और एंगल सेम होना चाहिए, मतलब करेस्पॉन्डिंग। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल, रुको एक मैं बात पूछ लेता हूँ, नहीं तो फिर जो है, ये तो ठीक है तो सेम था, एक और बात पूछता हूँ, क्या ये भी हमारा जो है सिमिलर है भाई, ये इसके करस्पॉन्डिंग तो है नहीं, फिर कैसे सिमिलर हुआ सर, क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री आया। नहीं नहीं ऐसे नहीं, टोटल सम तो किसी भी ट्रायंगल का 180 आएगा, तो इसका मतलब सारे एंगल 180 थोड़े ना है। हाँ मतलब हम इसको इससे करा देंगे ना, हम सिर्फ यही, हम उसको इसलिए घुमा के लिखे चूंकि लोगों मन में एक फिगर होती, ऐसे नहीं रखा था ऐसे रखा हुआ है, हम इसको ऐसे घुमा के रख लेंगे ना। बात समझिएगा, किसी भी वो तो 180 किसी भी ट्रायंगल का होता है, तो सारे एंगल सिमिलर नहीं होते, अगर हम उस बात से कहें तो सारे एंगल्स फिर सिमिलर हो जाएंगे जी नहीं। 70 कहीं मिल गया ना तो उसी से हम करस्पॉन्ड करा लेंगे उसको, ठीक है ना। ये 50 मिल गया भाई, ट्रायंगल ही तो है, ऐसे घुमा के रख लेंगे, ऐसे घुमा, इसको ऐसे घुमा देंगे ये 50 ऊपर हो जाएगा 70, या इसको ऐसे घुमा देंगे किस तरीके से 70 यहाँ हो जाएगा 50 इधर शिफ्ट हो जाएगा, भाई इसको पकड़ा ऐसे रख लिया उठा करके, अब देखो वैसे दिखने लगा। तो ये हो सकता है कि वैसे ना बनकर, वैसे देखिए अब ऐसे आंखों में देखने में बड़ा अच्छा लग रहा, अब ये थोड़ा सा घूम गया, अब हम भी घूमने लगे, नहीं नहीं हमको घूमना नहीं, हमको सिर्फ ये चेक कर लेना है भाई, किसी भी एंगल से किसी भी एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये नहीं होता इसके सामने बना वही वाला करस्पॉन्डिंग होता, कोई भी एंगल किसी से मिला लीजिए वो वही करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, और घुमा के हम रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कंग्रुएंसी में भी आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसे रखा सीधे उसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, तो उसके साइड्स मिला करके देख लेंगे ठीक है, तो मतलब एंगल अभी तो एंगल वा। तो हमने ये पढ़ा कि अगर दो एंगल भी हो गया
वो कि कोई थ्योरम नहीं है, इसलिए हमने ये पढ़ लिया कि तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, चूँकि इनर जो आपका इनर एंगल होगा सभी कितने होते हैं उनका टोटल 180, तो दो अगर इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है कि तीसरा भी इक्वल हो जाएगा आपस में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारी जो क्राइटेरिया होती ए ए ए वाली फॉलो करती है, एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, ये सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया होती है वो ए ए ए वाली फॉलो करती है। अच्छा, यही आगे लिखा हुआ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अगर दो, अभी रटना नहीं है, अगर हमने रट लिया, आप मान लीजिएगा रट लिया है तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। मैथ रटने की चीज़ नहीं होती, समझने की चीज़। हम इसीलिए एक एक पॉइंट पर टाइम काफ़ी लगा रहे हैं, और प्रूविंग भी नहीं करना है कि बहुत दिन लग जाएगा। हमको प्रूविंग करना होता तो शायद फिर थोड़ा इतने फोकस ना हो पाते हम लोग, मतलब वो यहाँ फोकस होते तो समय लगता। अब हम 6.3 के बाद में अगली थ्योरम पढ़ेंगे, ये मिटा दें, लेकिन थ्योरम जो लिखे वो नहीं मिटाएंगे अभी। बताइएगा 6.4 में क्या लिखा गया है। बोली मिला 6.4 थ्योरम 6.4। If in two triangles, side of one triangle are proportional. एक मिनट, side of one triangle are proportional. एक मिनट, are proportional to the side of other triangle. To the side of other triangle. Side of other triangle, then their corresponding angles are. अब देखो, then the corresponding angles are equal, ये लिखा होगा, then the corresponding angles, अब देखो ऐसे हमने लिख दिया, are equal. ऊपर क्या पढ़ा था हमने, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो हमारी साइड्स सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में होती है। अब दूसरी थ्योरम हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर साइड ऑफ वन ट्रायंगल, साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं, उसमें वहाँ शुरू था, इसमें यहाँ शुरू है। अभी दूसरी बात कह रहा कि अगर साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से अगर साइड प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या होता है, जो उन पे एंगल बने हुए हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था हिमांशी, ध्यान सुनिएगा, अगर डाउट होगा तो पूछना, मतलब सबसे कह रहे हैं ये उन्हीं से नहीं, मैंने ये पहले पढ़ा था जो थ्योरम लिखी थी, पहले लिखा था कि अगर सभी एक दो ट्रायंगल बने हैं, ऐसे समझिएगा, दो ट्रायंगल बने हैं अगर उसके एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब पहली बात क्या कही गई, ट्रायंगल अगर इक्वल होंगे, एंगल अगर इक्वल होंगे तो साइड्स जो उनके करेस्पॉन्डिंग होते हैं प्रोपोर्शन या रेशियो में सेम होंगे, ठीक है। अब दूसरे में क्या कह रहा है, उसी बात को यहां से पकड़ लिया, पीछे से पकड़ करके बोल रहा कि अगर साइड्स उसके रेशियो या प्रोपोर्शन, सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में होंगे तो एंगल क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। तो इसमें कौन सी बात, उतनी देर से हम लोग एक ही बात पढ़ रहे हैं भाई, जैसे वहां हमने पढ़ा था पहले एक एंगल बनाया, फिर लाइन खींच ली और कहा ये जो कट है इसका इसका रेशियो और इसका, मतलब दोनों साइड्स पर जो कट बने, जो इंटरसेक्ट पॉइंट बना उनका जो रेशियो है, जिस रेशियो में वो मतलब डिवाइड हुए हैं वो उसके दोनों इक्वल होंगे, और फिर हमने उसी बात को उल्टी पढ़ी। मतलब चार थ्योरम हमने पढ़ी है, और चार में पढ़ा कितना, दो ही पढ़ा, कैसे दो ही पढ़ा, एक यहाँ शुरू किया यहाँ ख़त्म किया, दूसरा कहा नहीं अगर ऐसा होगा तब भी ऐसा होगा, तो है ही, अगर हम कह रहे हैं कि एंगल इक्वल हैं तो प्रोपोर्शनली करेस्पॉन्डिंगली अगर एंगल इक्वल हैं
तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। तो वही तो दूसरी भी बात हुई कि अगर साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन हैं तो एंगल भी इक्वल होगा, और अगर ऐसा है तो उसको क्या कहते हैं, सिमिलरिटी बोलते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरियन कंप्लीट कर रहा है, तो ही तो कह रहे हैं कि सिमिलर होगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर डाउट है तो पूछना, जरूर पूछ लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रह जाएगा। और इस क्राइटेरिया का नाम क्या रखा इन्होंने, इसको क्या कहा था, इसको कहा एंगल एंगल एंगल, और इसको क्या कहा, साइड साइड साइड। तो हुआ क्या, जरा ध्यान देना, अगर एंगल 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 है तो ये कह रहा साइड 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 सेम होगा, मतलब रेशियो है प्रोपोर्शन। और अगर ये कह रहा ऐसे है, या इधर से नहीं, इसको इधर से बना दें, दो बना दें तो ठीक रहेगा। और अगर कह रहा है साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो एंगल इक्वल होगा। एक SSS क्राइटेरिया हो गया, एक AAA हो गया। AAA का मतलब हुआ एंगल एंगल एंगल, मतलब एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तो तीनों दो ट्राइंगल की बात हो रही है। क्या हम ये कंडीशन एक ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं? बोलिए कैसे लगा सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं लगा सकते हैं तो क्यों, और लगा सकते हैं तो क्यों। जो हम पढ़ रहे हैं, क्या मैं एक ही ट्राइंगल ले लूं तो ये क्राइटेरिया में लगा सकता हूं? नहीं। क्यों? तो उसका भी तो 180 हो जाएगा। एंगल्स को सिमिलर बताने की कहां बात है, एंगल्स तो इक्वल होता है। हमको किसी भी चीज में ये सिमिलर है या नहीं, जैसे हमने कहा ये सिमिलर है या नहीं है, तो अगला कुछ देखिए, इसको मैथ को जो मुश्किल लगती, क्यों लगती, हम उसको प्रैक्टिकली नहीं पढ़ते हैं। हमने सर ने मैम ने जिसने भी जो बता दिया, हम रट लिए और आए घर पर लगा रहे हैं, हमें कुछ कन्फ्यूजन है, और स्कूल में पूछ नहीं पाते, गार्जियन भी थोड़ा डरपोक होते हैं, जाकर के शिकायत नहीं कर पाते हैं। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। हमने कहा ये सिमिलर है तो मन में प्रश्न उठेगा, आखिर सर क्या बेवकूफ बना रहे हैं, सिमिलर है किसके सिमिलर है ये तो बता दो ना, किसके। तो हमने कहा इसके, तो आप कहेंगे नहीं सिमिलर नहीं है, इसकी देखिए अलग साइज बनी, इसकी अलग साइज बनी, सिमिलर नहीं है। तो सिमिलरिटी के लिए तो दो का होना जरूरी है, कम से कम दो का तो होना जरूरी है। बात समझ में आ रही ना? अब अगला क्वेश्चन है कि क्या तीन हो सकता, अरे 10 हो सकते हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, एक ऐसे था 50, इसमें 50-70-60 था, इसमें 50-70-60, इसमें बना नहीं रहे 50-70-60, तो तीनों आपस में सिमिलर हैं, इसमें कौन सी बात है। लेकिन सिमिलरिटी कैसे चेक करेंगे, एक में तो चेक नहीं कर सकते हैं। हमने कहा ये सिमिलर है, अरे क्या बात, अब मैथ की बात थी तब तक आदमी सोचता है, और अगर जैसे मैथ से दिमाग हटा, क्यों, शेर आया शेर आया, अगर शेर का नाम पहले ना सुना हो शेर से डर नहीं लगेगा, हाथी बड़ा होता फिर भी देख के डर नहीं लगता, शेर के नाम का खौफ है। तो मैथ मैथ मैथ, इसलिए मैथ बहुत मुश्किल नहीं होती, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है दुनिया का, अगर समझ में आ जाए तो, और समझ में नहीं आई तो कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आई, आखिर मुश्किल क्या है, मुश्किल वो है जो हम नहीं जानते हैं। हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, नहीं आता था, हमने सारे प्राधिकरणों को ट्रेनिंग देना चालू किया, पूरे जितने आले यूपी हैं, अब क्या है हम जो है कंप्यूटर चलाना सीख गए, सारे इंजीनियर ट्रेनिंग लेते हैं, जूनियर इंजीनियर से लेकर के चीफ इंजीनियर तक ट्रेनिंग लेते हैं, अब हमको तनिक दिक्कत नहीं होती। तो ये है सिमिलरिटी क्या है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा सिमिलरिटी, हमने कहाँ से पूछा, हमने मैं से थोड़े ना पूछा, हमारे मन में ऐसे प्रश्न आया सिमिलरिटी किस में करेंगे, तो सिमिलरिटी किस में, दो तो होना चाहिए, नहीं तो सिमिलरिटी या ना सिमिलरिटी होने ना होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ रह गई है। आगे बढ़े, मतलब बहुत हो गया इस पर लेक्चर, बात सिर्फ ये है हमारा कि मन में बैठ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, और अगर मन में नहीं बैठा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये भी थ्योरम हो गई हमारी। तो हम जब सिमिलरिटी की बात करेंगे तो सबसे पहली बात हमारे मन में क्या आएगी, मेरा क्वेश्चन है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो, सॉरी हाँ सेम रेशियो, और एंगल एंगल ये मन में आएगा।
ये जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, हमने क्यों नहीं सब में तो सिमिलर सिमिलर लिखा? हमने इसलिए नहीं लिखा, हमें आपको बताना चाहते थे कि ये थ्योरम हमारी ये कह रहा कि सभी एंगल इक्वल हैं तो साइड से रेशियो में होगी। हम फिर हम देख रहे हैं कि तो ये क्या होगा। अब हमने पहले पढ़ रखा, दो चीज़ें यहाँ जुड़ रही, हमने पहले पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा है, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और साइड सेम प्रोपोर्शन में होगा, दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं, यहाँ भी यहाँ भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलरिटी कहते हैं। एक और बात है, बुक में कहीं लिखी होगी, अब ढूंढ नहीं पाएंगे हम, ऐसे एक बना हुआ ऐसे और ऐसे बना है, दो बातें बनी, इसका एंगल जो है मान लो 70 डिग्री है, इसका भी एंगल 70 डिग्री है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी कुछ इसी तरीके से है, मान लो इसको हम 6 ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये हमने लिखा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो है इसको हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। तो अब इतनी बात, अभी हमने क्या बनाया, एक एंगल बनाया है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अभी हमने ट्रायंगल नहीं बनाया। अब आप ये मत कहिएगा कि एंगल पढ़ा रहे हैं, हाँ नहीं, मन में अगर ये आ गया ना तो जब हम पढ़ा ले जाएंगे तब तक आप एंगल में लटके रह जाएंगे कि तो एंगल पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना तो ट्रायंगल था। तो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा है और इससे ट्रायंगल बना है तो इससे कैसे ट्रायंगल बनेगा, ये लाइन खींच दी जाएगी, ये लाइन खींच दी जाएगी, बात समझ में आ गई, हमने इसको इसलिए अलग किया। तो मतलब अगर ये देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड है 5/10, ये करेस्पॉन्डिंग साइड ले लिया हमने 4/6, दोनों इक्वल है कि नहीं है, 1/2 नहीं है, नहीं है, ये यहाँ 5 लिया है तो यहाँ कुछ और होना चाहिए, ये कितना रहा 4/, इसको 8 कर दें, इसको 8 कर दें, अब क्या हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया, इक्वल हो गए, करेस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो गया। इतना दिया गया है, अगर इतना दिया गया है तो आप ये मान करके चलिएगा कि ये भी हमारा वो कंडीशन फुलफिल करेगा सिमिलरिटी वाला। कैसे फुलफिल करेगा, 70 के सामने अगर इस तरीके की ये साइड्स और ये साइड्स और ये 70 के सामने, तो उसी रेशियो में ये वाला एंगल बड़ा छोटा बनेगा, बात समझ में आ रही। अगर मान लो ये 2 आया है तो ये 4 आएगा ऑटोमेटिक, वो आप करके एक्टिविटी करके चेक कर लेना, 2 और 4 हमने कैसे देख लिया कि 1/2 का हमने रेशियो बना लिया, आप बना के चेक करेंगे तो ऐसे आएगा। इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं एंगल, साइड एंगल, गलत लिख दिया हम, साइड एंगल, साइड, ये साइड है, इसके बीच का एंगल है और ये साइड है, ये साइड है, इसके बीच का एंगल है और ये साइड है, ठीक है। 3 क्राइटेरिया मिनिमम होना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए। तो ये भी कर लिया हमने, इसमें एक पार्ट था हम लोगों ने किया था कि अगर 2 एंगल सेम रेशियो इक्वल बताए गए हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक हो ही जाता है, इसलिए होता है, और इसमें भी यही है, अब इसको प्रूव करने हम जाएंगे नहीं क्योंकि प्रूविंग की अभी नीड नहीं है। तो इतने में अगर कहीं आपको लग रहा है तो अभी पूछिए, नहीं तो फिर अगली थ्योरम करते हैं। ये समझ में आई है ना, लेकिन हम अगली क्लास में पूछेंगे, और ध्यान रखना अगली क्लास का हमारे मतलब ये नहीं होता कि कल वाली, मतलब चूंकि उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि कल ये पूछने वाले हैं ना, कल मत आओ, तो परसों पूछ लेंगे, अगले दिन पूछ लेंगे, मतलब ना बताने के लिए फिर आपको रोज के लिए बंक करना पड़ेगा,
बात समझ में आ रही है? और अगले दिन आया आदमी तो थोड़ा आसान क्वेश्चन होता है, और उसके अगले उस दिन नहीं आया, मान लो तबीयत खराब हो गई या कहीं जाना पड़ गया, ऐसा होता है अक्सर, तो उससे ज़्यादा मुश्किल सवाल होगा। अब हम चलते हैं 6.5 थ्योरम पर। क्या है, आप पढ़िए, हम पहले, हाँ आप पढ़िए तब मैं लिखता हूँ। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल वन एंगल ऑफ दूसरा ट्रायंगल एंड द साइड ऑफ इंक्लूडिंग दीज एंड साइड ऑफ इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल are proportional then the two triangles are similar then two triangles are similar if one angle ये क्या कह रहा है, मैं समझ नहीं पाया कह क्या रहा है ये थ्योरम, तो मुझे समझ में नहीं आ रही, आप लोग समझाइए ये कह क्या रहा है। हाँ बताइए सर, अगर ट्रायंगल की एक एंगल दूसरे ट्रायंगल की दूसरी मतलब उसी एंगल की सिमिलर है तो वो दो उनकी साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं, उसके एंगल प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा अभी तो लिखा ही नहीं है। ये तो कह रहा, ये और कुछ कह रहा, ये कह रहा है इफ वन एंगल, ध्यान देना इफ वन एंगल, ये पहली बात बोला, हमें अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन मुझे जहां तक समझ में आ रहा, वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, ये एक बात हुई यहां तक, टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना, अभी शुरू कर रहे हैं ना, अभी एक एंगल बनाते, अभी तो एक ही एंगल की बात कर रहा है ना, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, सपोज करिए कि 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, यही बोल रहा है ना, इक्वल होने का तो यही मतलब हुआ ना कि 50 40 कुछ भी ले लें ट्रायंगल। आगे क्या लिखा था, एक एंगल दूसरे, मतलब एक ट्रायंगल में एक एंगल दूसरा किसी एंगल के बराबर हो, यहाँ कुछ एक मिनट, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स ऑफ, अच्छा इंक्लूडिंग दीज एंगल्स मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, बात कुछ समझ में आ रही, कुछ आपको पहले पहले की बात दिख रही है, हम हमको लग रहा हम इसको इस पर चर्चा कर चुके हैं, अभी अभी तो हुई है, अभी अभी तो इस पर चर्चा हुई है ना, एंड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इस एंगल को जो साइड्स इंक्लूड कर रही हैं तो वो ये और ये हैं, अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो ये तो हमने पढ़ लिया अभी अभी, थ्योरम बाद में लिखा और पढ़ा हमने पहले है, तो ये तो वही वाली बात हो गई, तो इस पे क्राइटेरिया भी हम लोगों ने लिख लिया था, वो क्या था, साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया भी लिख लिया था कि सिमिलरिटी का क्राइटेरिया साइड एंगल साइड का होगा। क्या इसको समझाना हमें, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर डिस्कस कर लिए कुछ समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, नहीं तो थ्योरम हमारी थ्योरम क्लियर होगी। इसमें एक एग्जांपल दिया है 7 नंबर पर, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट, मतलब ये कह क्या रहा है, एक लड़की है और मान लीजिए यहाँ ऊपर लैंप लगा हुआ, आप क्वेश्चन को समझिएगा बस, यहाँ ऊपर मान लीजिए बेस लगा हुआ है, एक लैंप लगा हुआ है, यहाँ से मूवमेंट उसका चालू होता है और चलती जाती है, और कितनी देर चलती है वो, 4 सेकंड तक चलती है। मैं क्वेश्चन करूँगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग करके ले आएंगे, अगर नहीं होगा तो मैं कल करके दिखा दूँगा, यही है ना। ये कह रहे हैं कि एक लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर की है, 90 सेंटीमीटर की लड़की है और चल रही है,
आगे बढ़ती जा रही कितनी देर तक चल रही है, 4 सेकंड तक, और उसकी स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो 1.2 मीटर जाती है, ठीक। तो यहां से उसने शुरू किया, अपनी जर्नी शुरू किया, स्टार्ट किया जहां पर लैंप लगा हुआ था, लैंप ऊपर लगा था, और वो नीचे से चलना चालू की। अब जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही, वो मान लीजिए 4 सेकंड बाद यहां पर खड़ी हुई। अब पीछे से लाइट पड़ेगी तो उसकी जो परछाई बनेगी, जो वो कितनी बड़ी होगी, ये मेजर करना है। उससे क्या पता चलेगा कि वहां से लेकर के, अब देखिए आप सुबह उठे हैं कभी, जब सूर्योदय होता है परछाई बहुत बड़ी बनती है, और धीरे 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 परछाई छोटी होती जाती है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब जितना ज़्यादा सूर्य हमारे पास आते जाते हैं, या दूरी से जब पास पहुँचते जाते हैं, तो परछाई उतनी छोटी होती जाती है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। मतलब मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथ का चैप्टर नीरस नहीं होता है, यूज होते हैं उसके लाइफ में। तो ये लड़की चल रही है, 4 सेकंड तक चलती है, तो अगर 1 सेकंड में इतना चलती, 4 में कितना चलेगी, 2 × 4 4.8 मीटर, इतनी दूर हो जाएगी लैंप के बेस से। वो 4.8 मीटर की डिस्टेंस तय कर लेती है, तब जो लैंप की रोशनी आ रही है उससे उसकी जो परछाई बनेगी वो कितनी बड़ी होगी, ये हमें मेज़र करना है। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करेंगे और करके ले आएंगे, रट के नहीं लाएंगे, हम पूछेंगे कैसे हुआ है। किताब में सोल्यूशन है तो आप लोग करेंगे क्या, कर लेंगे फटाफट से, लेकिन मैं उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर पूछूंगा। क्वेश्चन बढ़िया लगता है इसलिए हमने आपसे पूछ लिया है, और इसकी इसको करके आप लोग ले आएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज है, जो प्रूविंग वाला है उसको हम लोग नहीं करेंगे, जो भी है बाकी आप कर लेंगे। हम लोग आगे जो करना होगा वो कौन सा करेंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इतने में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी लोग जो YouTube से देखेंगे वो लोग भी जो पूछना होगा वो पूछ लेंगे कमेंट।